वेलकम टू खास बायोलॉजी डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, चूँकि इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमने डिस्कस करना है। इसमें चंद पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ क्या चीज़ है, इसकी दो टाइप्स है, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। उसके बाद हार्टवुड, सैपवुड और कैलस की टर्म को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ग्रोथ को देखना है। ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। अगर प्लांट के साइज के अंदर, चाहे वो गिर्थ है या इसकी टालनेस है, उसके अंदर इजाफा हो रहा है और ये इजाफा इरिवर्सिबल है, यानी वापस नहीं आ सकता, इसे हम ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद इसकी फर्स्ट टाइप है डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ के अंदर प्लांट अपनी टालनेस के अंदर इजाफा करते हैं, अपनी लेंथ के अंदर इजाफा करते हैं। अल्लाह ताला ने इनके अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यूज एक्टिवली डिवाइडिंग, ये टिश्यूज पैदा किए होते हैं जो रैपिडली डिवाइड करते हैं और इसकी लेंथ के अंदर इजाफा करते हैं। अब ये टिश्यूज कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये इनकी एपेक्स के ऊपर, इनकी शूट और रूट की एपेक्स, इनके टर्मिनल पॉइंट, वहां पर मौजूद होते हैं ताकि ये डिवाइड करते जाए और प्लांट की लेंथ के अंदर इजाफा करते जाए, और लेंथ के अंदर ये इजाफा प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ। अगर प्लांट अपनी गिर्थ के अंदर, अपने डायामीटर के अंदर, अपनी चौड़ाई के अंदर इजाफा करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रोथ हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। इसमें वास्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम शामिल होते हैं जो डिवाइड करते हैं और इसकी गिर्थ के अंदर इजाफा करेंगे। अब हमने ये बताना है कि वास्कुलर कैम्बियम के अंदर प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम होता है, जो प्राइमरी से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, जिसकी वजह से इसकी गिर्थ के अंदर इजाफा होता जाता है। मोस्टली जो गिर्थ के अंदर इजाफा होता है डियर स्टूडेंट्स, वो सेकेंडरी जाइलम की वजह से होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है, द गिर्थ इंक्रीज ड्यू टू द सेकेंडरी जाइलम। अब सेकेंडरी जाइलम के अंदर कैसे होता है, ये कैसे जो है इसकी गिर्थ के अंदर इजाफा करता है डियर स्टूडेंट्स, ये हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये जो रेडिश लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये रेड लाइन डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास मौजूद होते हैं प्राइमरी जाइलम। ये प्राइमरी जाइलम एक्टिवली डिवाइड करते हैं और यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं। ये बेटे हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, प्राइमरी जाइलम एक्टिवली डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद सेकेंडरी जाइलम बनाएंगे, जो कि इस हमारे इस रेड लाइन, जिसे हमने वास्कुलर कैम्बियम का नाम दिया है, इसके अंदर ये बनेंगे सेकेंडरी जाइलम और इसके बाहर की जानिब सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। ये जो ब्लू लाइन हमने, ये जो सेल्स की बनाई हुई है, ये वाली, ये सेकेंडरी जाइलम को शो करती है। अब आप बताएं, अगर यहाँ पर सेल की जो है एक्स्ट्रा लेयर बन रही है, क्या इसकी गिर्थ के अंदर इजाफा नहीं होता जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, मजीद हमारे पास ये प्राइमरी जाइलम डिवाइड करता जाएगा और एयर बाय एयर इसमें जाइलम की तह बतह जुड़ती जाएगी और प्लांट की स्टेम के अंदर इजाफा होता जाएगा, और हमने इस इजाफे को सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट ईयर बेटे क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह ये सेकेंडरी जाइलम अंदर से ग्रो करता जा रहा है और ये रेडिश हमारे पास वास्कुलर कैम्बियम अब यहाँ पर आ गई है इस साइड पे, और इसके अंदर बेटे क्या मौजूद है, प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम डिवाइड करेंगे और यहाँ पर दोबारा से सेकेंडरी जाइलम बना देंगे और इस वास्कुलर कैम्बियम जो रेड लाइन है, इसके बाहर फिर से सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। आहिस्ता आहिस्ता एयर बाय एयर इसी तरह ये डिवीजन चलती जाएगी और प्लांट की गिर्थ के अंदर इजाफा होता जाएगा, और इसी गिर्थ के अंदर इजाफे को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अब जब ये गिर्थ के अंदर इजाफा हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम ऐड हो रहे हैं और जैसे जैसे ये ऐड होते जाएंगे, इस स्टेम के अंदर एनुअल रिंग्स बनती जाएंगी, और ये एनुअल रिंग्स एक एयर के अंदर एक ही बनती है और ये डिटरमाइन करती है कि प्लांट की एज क्या है, यानी जितनी रिंग्स होंगी हम कहेंगे प्लांट जो है वो उतने साल का है। अगर 5 होंगी तो हम कहेंगे 5 ईयर इसकी एज है, अगर 10 होंगी तो हम कहेंगे 10 ईयर इसकी एज है। अब क्या होता है, जैसे जैसे जाइलम बनता जाता है, हमारे पास जो ओल्डर जाइलम होते हैं ये हार्टवुड और दूसरे सैपवुड बनाते जाते हैं। हार्डवुड नॉन कंडक्टिव होते हैं, इनमें मिनरल्स और दूसरे जो सब्सटेंस है वो वूम नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें डिपॉजिट होते हैं रीजन्स, गम्स, ऑयल्स और टैनिंग्स वगैरह,
जो सैपवुड होते हैं बेटा, ये अमूमन कंडक्टिव होते हैं। ये कैपेसिटी रखते हैं कि मटेरियल्स को अपने अंदर से ट्रांसपोर्ट कर सकें। उसके बाद अगर प्लांट को कहीं पर वूंड आ जाता है तो इस वूंड के ऊपर अनडिफरेंशिएटेड सेल का एक क्लस्टर बन जाता है जिसे हम कैलस कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि इस वूंड को फुलफिल किया जा सके। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक डायग्राम ड्रॉ की है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास इस डायग्राम के अंदर सेंटर के अंदर पिथ है, उसके बाद यहाँ पर वुड, वुड के बाद इसके बाद आता है बेटे ये वाला हमारे पास वास्कुलर कैम्बियम, उससे बाहर फ्लोएम, फ्लोएम के बाद कॉर, कॉर के बाद कॉर कैम्बियम के बाद कॉर। हमारे पास ये अरेंजमेंट है स्टेम के क्रॉस सेक्शन की। अब सबसे बाहर आप देख रहे हैं वास्कुलर कैम्बियम है, उसके बाद फ्लोएम, फिर कॉर कैम्बियम, फिर कॉर्क, फिर वुड और फिर पिथ। यहाँ सेंटर के अंदर बेटा होती है हमारे पास हार्टवुड जो कि नॉन कंडक्टिव होती है। उसके बाद जो बाहर आउटर की जानी बनती जा रही है वो सारी की सारी हमारे पास सैप वुड कहलाती है। और यहाँ पर आपको कुछ रिंग्स नजर आ रही हैं, ये वाली, ये सारी रिंग्स कहलाती हैं एनुअल रिंग्स। और ये एनुअल रिंग्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक साल के अंदर एक बनती है जो प्लांट की एज को डिटरमाइन करती है। तो ये बेटे हमारा टॉपिक था सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ।